أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز آج ہم کریلے فرائی کی ریسیپی آپ سے شیئر کریں گے یہ بھی ایک سمپل سی ریسیپی ہے سب سے پہلے ہم نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر دیا ہے اب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے کریلوں کو ہم نے پہلے سے ہی ابال لیا تھا تاکہ کریلوں سے کڑواہٹ دور ہو جائے کریلوں کو ہم نے बारीक बारीक काटा था पहले और उनको फिर हमने अच्छी तरह धोया था और उसके बाद हमने इसको उबाला था और वो पानी हमने निकाल दिया था ताकि करेलों से कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें करेलों को फ्राई करेंगे, तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चम्मच हिला रहे हैं हम इसमें ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। आप देख रहे हैं कि करेले फ्राई हो गए हैं तकरीबन। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपने पहले करेलों को उबालना है ताकि इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाए। तो हमने भी यही तरीका अपनाया है और ये तकरीबन करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है इस पर और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हमने इस पर बारीक कटे हुए प्याज को हमने इस पर डाल दिया है और ये अब हम इसमें पकाएंगे और इसके ऊपर टमाटर डाल दिए हैं। आप हसब ज़ायका प्याज और टमाटर को यूज़ कर सकते हैं। हमने करेलों के हिसाब से जितने करेले थे उसी हिसाब से प्याज कटा हुआ था और इसी हिसाब से टमाटर को हमने इसमें डाल दिया है। तो इसमें मसाले वग़ैरह ज़्यादा नहीं डालते। अगर आप डालना चाहें अपनी टेस्ट के हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम घर में इसी तरह करेले बनाते हैं अक्सर और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये करेले। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, हसब ज़ायका हमने इसमें नमक ऐड कर दी है। आप भी अपने ज़ायके के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो नमक तो ज़्यादा ऐड करें या कम करें अगर कम पसंद हो। तो हमने अपने हिसाब से ऐड कर दी है नमक और अब हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारे टमाटर प्याज और करेले। और ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत शानदार है इसका। व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह से अगर घर में करेले पकाएंगे तो यकीनन आप दाद वसूल करेंगे। और ये ले हमने करेलों को सर्व कर दी है प्लेट में, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।